दोस्तों, ये टाइड का हमारा पार्ट 5 होगा और इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं। एक में हम लोगों ने हैरिस महोदय की थ्योरी को देखा, उसके पहले एक में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझा, एक में हम लोगों ने टाइम के कॉन्सेप्ट को समझा, और जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने टाइड के बेसिक कॉन्सेप्ट को और इक्विलिब्रियम थ्योरी को देखा था। तो ऑलरेडी हम लोग 2 थ्योरीज कर चुके हैं। ये लास्ट थ्योरी है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। हालांकि ये स्टेशनरी वेव थ्योरी के पहले आई थी। तो अगर हम क्रम देखेंगे थ्योरीज का, जो 3 हमारी मेन थ्योरीज हैं, तो उनमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम थ्योरी आती है 1687 में। उसके बाद आती है विलियम वेवल की थ्योरी, हालांकि उसके बीच में भी एक थ्योरी थी। थ्योरीज का मैं यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे न्यूटन का जो थ्योरी है इक्विलिब्रियम, या न्यूटन का संतुलन सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, 1687 का। इसके बाद एक लाप्लास का गतिक सिद्धांत भी आया था। विलियम वेवल का प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी भी एक आई थी, और एरी का कैनाल थ्योरी भी आया था, नहर सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं 1842 में, और हैरिस का स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो इसमें से जो लाप्लास की है और एरी की है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जनरली बुक्स में भी कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया गया है। 3 थ्योरीज ऐसी हैं जो आपको किताबों में कहीं कहीं मिल जाएंगी। उसमें से इक्विलिब्रियम थ्योरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और स्टेशनरी वेव थ्योरी भी हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग प्रगामी तरंग सिद्धांत को देखेंगे, और इसी प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में हैरिस महोदय ने अपना स्थैतिक तरंग या स्टेशनरी वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया हुआ था। तो इस थ्योरी में जो हम लोग सबसे पहले इस कुछ मैटर यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और छोटी सी थ्योरी है, बहुत जल्दी इस आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले पहले, और फिर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे हम लोग। ज्वार तरंग वेव्स के फॉर्म में होते हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करती हैं। जैसे विलियम वेवल महोदय, जो कि इंग्लैंड के थे, इनका ये मानना था कि जो ये हम ज्वार की बात करते हैं, सबसे पहले यही एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ज्वार को वेव्स की तरह बताने का प्रयास किया गया। इसके पहले इक्विलिब्रियम थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसमें कहीं वेव्स इत्यादि की चर्चा नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि जल का मूवमेंट होता है, अप डाउन होता है, लेकिन वेव्स या तरंग के फॉर्म में उसको नहीं देखा गया। लेकिन इस थ्योरी में विलियम वेवल महोदय कहते हैं कि जो ज्वार की घटनाएं घटित होती हैं, उसमें ये तरंग या वेव्स के फॉर्म में ही होते हैं, और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में ये तरंग या जो वेव्स हैं ये मूवमेंट करती हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अलग अलग बुक से, जहाँ से भी मुझे मैटर मिला, या जो भी मैंने इसके नोट्स बनाए थे वहाँ से, बिल्कुल जो सबसे ईजी पॉइंट्स मुझे लगे, और उसको ईजी लैंग्वेज में लिख के करके मैं यहाँ पे लाया हूँ, कि कठिन लैंग्वेज किताबों की होती है और उसमें चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो जो यहाँ पे पहला पॉइंट है, ये वो यही बता रहा है कि जो टाइडल वेव्स हैं, ये आपकी कैसे मूवमेंट कर रही हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में मूवमेंट कर रही हैं, और ये टाइडल वेव्स जब पहुंचेंगी कहीं पे, तो हमको पता है कि वेव का एक शिखर होता है और देन एक गर्त होता है। तो जब इसका शिखर वाला भाग तट के पास पहुंचेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ज्वार आ गया, और जब इसका डाउन वाला भाग आएगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये भाटा है। तो सिंपल सी बात, हम लोग जानते भी हैं कि जो जल ऊपर उठा और तट की ओर आगे बढ़ा, उसको हम लोग ज्वार बोलते हैं, और नीचे गिर के जो पीछे लौटा, तो उसको भाटा बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में देखे थे। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, कि जो वेव का क्रेस्ट होगा या उसका जो शिखर होगा, वो एक तरीके से ज्वार को प्रदर्शित करेगा, और जो उसका नीचे, ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ इस चीज को, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा रहा होगा, ये जो तरंगे होती हैं उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको तो हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, श्रिंक, लेकिन ये जो धंसा वाला पार्ट है इसको हम लोग ट्रफ या गर्त बोलते हैं। तो ये जो विलियम वेवल महोदय ने ये समझाया कि ये जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, ये कहीं ना कहीं ज्वार को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ये नीचे धंसा हुआ पार्ट है, ट्रफ या गर्द जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं भाटा को या एब को प्रदर्शित कर रहा है। तो ट्रफ इज इक्वल टू एब,
एंड क्रेस्ट इज इक्वल टू टाइड। तो ये उन्होंने बताने का एक प्रयास किया। इसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि मेन कॉज अट्रैक्शन टाइडल या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का जो अपना ज्वारी बल है उसको हम लोग चंद्रमा का आकर्षण बल भी बोल सकते हैं और उसको हम लोग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं। तीनों बातें एक ही हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग है। यही मेन कारण है। तो इसमें एक चीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ज्वारभाटा की जो प्रक्रिया है उसके पीछे मेन कारण यही है। चाहे आप इक्विलिब्रियम थ्योरी को पढ़ें, चाहे आप इस प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी को पढ़ें, और चाहे आप स्टेशनरी वेव थ्योरी को पढ़ें। स्टेशनरी वेव थ्योरी में भी मैंने आपको बताया कि जो मून का ग्रेविटेशनल पावर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वही टाइड का मेन रीजन है। तो कारण हर थ्योरी में सेम बताया गया है, बस उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है हर थ्योरी में। तो ये मेन कॉज हो गया। अब इसके बाद मेन प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जान लेते हैं। जो हम लोग की प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं उसको हम लोग ट्रेवलिंग वेव्स भी बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी स्टेशनरी वेव होती हैं वो एक प्रकार की उनमें स्थिरता होती है। जैसे एक वेव आई, यहाँ टकराई किसी पॉइंट से, देन वो वापस चली गई, उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो लिमिट उनकी कहीं नहीं होती, कहीं उनकी बाउंड्री नहीं होती, वो इस तरीके से मूवमेंट करती रहती हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यह ऐसे बनेगा, इस तरीके से वो ऐसे मूवमेंट करती जाती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। इसीलिए इनको हम लोग ट्रेवलिंग वेव्स भी बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ, इसमें ये गई और फिर वापस लौट आई टकरा करके। तो ये इसमें ये चीज चलती रहती है। स्टेशनरी वाले में ये, देन फिर ये स्टेशनरी का प्रोसेस है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव वेव है, जैसे मैंने आपको यहां पर भी बना के दिखाया कि वो उनमें प्रोग्रेस होती रहेगी। तो ये एक हल्का सा, एक सिंपल सा डिफरेंस है प्रोग्रेसिव वेव में और स्टेशनरी वेव्स में। और हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जानना है, सिंपल सा बस अपने कॉन्सेप्ट को समझना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लकी चीज़ें फिजिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा अगर हम लोग इस थ्योरी को समझ रहे हैं तो। ये आप लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव समझ लिया, और इसी यही चीज़ अभी आगे काम आएगी हम लोगों के। लेंथ एंड स्पीड ऑफ टाइडल वेव्स डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ ओशंस। ये चीज पिछली वाली थ्योरी में भी थी और हर जगह ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो वेव्स जनरेट होंगी उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी लंबाई क्या होगी, कितनी वो पावरफुल होंगी, ये डिपेंड करेगा कि जहां पर उनका ओरिजिन हुआ है वहां पे डेप्थ कितना है ओशंस का। ठीक है। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ मेक्स बैरियर्स ऑफ टाइडल वेव्स, मतलब कि जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे वेव्स के लिए बैरियर बनता है। जैसे मान लीजिए कि वेव आ रही है, रास्ते में फिर से कोई लैंड मास पड़ गया, तो क्या होता है कि जो वेव होती है वो लैंड से टकरा जाती है। ठीक, सिंपल से थोड़ी सी कल्पना करने वाली चीज है, और टकरा के उसका विभाजन हो जाता है। वही चीज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। टू टाइप की हमारी वेव्स इसमें होती हैं। एक तो हमारी प्राइमरी वेव होती है जो कि ओरिजिन ड्यू टू मून फोर्स, चंद्रमा के बल से उसका निर्माण होता है, जो कि हम लोग अभी देखे थे। सबसे पहले यही बनती है, और जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वीप से, महाद्वीप से टकराएगी, क्योंकि बहुत सारे लैंड मास हैं अर्थ पे। तो उसके बाद, टकराने के बाद जो जिस वेव का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी में दो तरह की वेव्स हैं, एक तो प्राइमरी वेव्स जो मून के पावर्स, मून के ग्रेविटी वाले फोर्स से बनेंगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन प्राइमरी वेव्स के की टक्कर जब कहीं किसी लैंड मास से होगी तो फिर उससे सेकेंडरी वेव्स का फॉर्मेशन होगा। इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। ये नोट्स बहुत शॉर्ट टाइप की है और मैं इसी तरीके का नोट्स बनाने का प्रयास करता हूँ जिससे बड़ी से बड़ी थ्योरी को हम लोग
कम में समराइज कर दें। अब हम चाहते तो इस चीज़ को पैराग्राफ में लंबा चौड़ा लिख सकते थे, लेकिन अगर हमारा काम इतने छोटे से में चल जा रहा है, बस मैंने इतना लिख दिया कि ओरिजिन ड्यू टू मून्स फोर्स, मतलब कि चंद्रमा के बल से इसकी ओरिजिन होती है, और सेकेंडरी वेव्स में ओरिजिन ड्यू टू बैरियर्स, जो बैरियर्स होते हैं उनसे ओरिजिन होती है। बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स हैं हमारे लैंड मासेस, कॉन्टिनेंट्स, हमारे आईलैंड्स, ये हमारे बैरियर्स हैं। और ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम लोग जितनी भी चीजें अभी तक इस थ्योरी में देखे हैं फिर से पूरा रिवाइज कर लेंगे। ओरिजिन ऑफ वेव्स इन साउथ देन कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग इन नॉर्थ, मतलब कि इस थ्योरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे इस थ्योरी की आलोचना भी होती है कि जो वेव्स होती हैं वो साउथ में जनरेट, साउथ में बनती हैं और फिर वो कंटिन्यूअसली नॉर्थ में शिफ्ट होती हैं। अब इस थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं। अर्थ का रोटेशन होता है, ठीक है, जब अर्थ का रोटेशन होता है तो हमको पता है कि जल हमारा पीछे छूट जाता है। जब जल हमारा पीछे छूट जाएगा तो जल में पृथ्वी अगर हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में मूवमेंट कर रही है तो वाटर बॉडी हमारी अपोजिट दिशा में मूवमेंट करेगी, क्योंकि जो जल होता है वो पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता है। ये चीज हम लोगों ने एक बार ओशन करंट में पढ़ा था, और इसी से आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मून अपना फोर्स लगा ही रहा है, तो इससे क्या बनेगी? अर्थ रोटेट हुई, जल पीछे छूटा, और जल कैसे गति करने लगा? जल गति करने लगा पूर्व से पश्चिम दिशा में, और मून अपना फोर्स लगा ही रहा है, इससे वेव्स बनेंगी, ठीक है। और वेव्स कहाँ बनेंगी? ये वेव्स बनेंगी साउथ में, और साउथ में बनने के बाद धीरे धीरे करके ये वेव्स नॉर्थ में शिफ्ट होती रहेंगी, और जब ये नॉर्थ में शिफ्ट होती रहेंगी तो रास्ते में बहुत सारे लैंड मास पड़ेंगे, उनसे इनकी टक्कर होगी। तो इसमें पहले जो बनेंगी वो तो बनेंगी आपके मून की ग्रेविटी से, लेकिन जब वो आगे बढ़ेंगी और टकराहट होगी उनकी किसी लैंड मास से तो फिर उनका विभाजन हो जाएगा और उससे सेकेंडरी वेव्स बन जाएंगी। फिर जहां जहां वो जाएंगी वहां वहां पे जब उनका शिखर वाला भाग तट की ओर पहुंचेगा तो वहां पे ज्वार आएगा, और जब गर्त वाला भाग या ट्रफ जो वो पहुंचेगा तो वहां पे भाटा की स्थिति होगी। तो इस पॉइंट को तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। तो इसी पॉइंट पे इस थ्योरी की आलोचना भी होती है, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। जैसा कि इन्होंने विलियम वेवल ने ये बताया कि साउथ में वेव्स बन जाती हैं और साउथ की वेव्स धीरे धीरे नॉर्थ की ओर पहुंचती हैं, और उससे उन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि पहले टाइड टाइड्स की जो घटना होगी वो साउथ में होगी, धीरे धीरे नॉर्थ में होगी, एक साथ नहीं होगी। लेकिन बाद में रिसर्चेस से ये पता चला कि टाइम तो वही है, जिस समय साउथ में हो रही है उस समय नॉर्थ में भी हो रही है। तो ये हम नहीं कह सकते कि पहले जितने भी हमारे नॉर्थ में टाइड की घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे किसी वेव का हाथ है जो कि साउथ से आ रही है, क्योंकि बाद में ये पता चला कि एक ही समय पे नॉर्थ में भी घटनाएं हो रही हैं टाइड्स की और साउथ में भी हो रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि इसमें ये पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा गलत साबित हुआ, कि इन्होंने साउथ से मान लिया कि साउथ में पहले होगा टाइड, देन फिर वो धीरे धीरे वेव्स जैसे जैसे नॉर्थ में शिफ्ट होती जाएंगी वैसे वैसे नॉर्थ में भी टाइड आने लगेंगे। लेकिन वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि ऐसा नहीं है, टाइम ऑलमोस्ट सेम रहता है, कई बार वही समय साउथ में भी है, वही समय किसी नॉर्थ में भी किसी स्थान पे है, इसीलिए ये सिद्धांत वहाँ पे फेल हो जाता है। इस थ्योरी को अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा मैंने आपको स्टेशनरी वेव थ्योरी में बताया था कि उसकी एम्फीड्रोमिक पॉइंट, नोडल लाइन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस थ्योरी की हालांकि ऐसी चीज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये कभी थ्योरी उतना आई हुई है एग्जाम में, लेकिन इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप लोग इतना तो कॉन्सेप्ट जान ही लीजिए, और बाय चांस आ भी सकती है कभी, और पता होना भी चाहिए क्योंकि कुछ अच्छी चीजें इसमें बताई गई, जैसे कैसे वेव्स टकरा करके
उनका विभाजन हो रहा है, कुछ अच्छी चीजें बताई गई हैं इस थ्योरी में, और मिलान करने वाले क्वेश्चंस यहाँ से काफी आते हैं। अब हम लोग एक मैप देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक का एंड करेंगे। ये मैप हम लोग के सामने है, को टाइडल लाइन मैप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। को टाइडल लाइन मैप कौन से होते हैं? को टाइडल लाइन मैप वो मैप होते हैं जो कि एक समय में जिन जिन स्थानों पे ज्वार की घटना घटित होती है उसको उसको जब हम मिला देते हैं तो उससे हमारे को टाइडल लाइन मैप बनते हैं। ऐसे बहुत सारे मैप्स होते हैं, जैसे कि हमको पता है कि समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली जो हमारी रेखाएं होती हैं, समलवण रेखा और आइसोहेलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म्स, तो ऐसे बहुत सारी लाइंस होती हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आइसोटॉपेन, आइसोटिम, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में इसके बाद आइसो हाइट, आइसो वेल, आइसोथर्म, आइसोहेलाइन, बहुत सारे ऐसे हैं। ये सारे के सारे हमारे आइसोप्लेट्स हैं, आइसो बार होता है, तो ये बहुत सारे हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो उसी प्रकार की एक लाइन हमारी को टाइडल लाइन भी होती है जो कि समान ज्वार वाले स्थानों को मिलाती है, ऐसे ऐसे स्थानों को मिलाती है जहां एक समय में ज्वार आया हो। और इसके जो मैप बनता है इस लाइन से, मतलब इस लाइन से निर्मित जो मैप होता है या ऐसा मैप जिसमें इन लाइनों को हम दिखाएं, वो मैप होता है हमारा को टाइडल लाइन मैप। तो जैसे ये बहुत ही सिंपल सा एक मैप है, इसमें आप देखिए कि दिखाया गया है ये बेसिकली जो हमारा प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है उसी के कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया गया है इस मैप में। किताबों में ये मैप इजिली मिल जाएगा कि जैसे इस स्थान पे मान लीजिए 12 बजे घटना घटित हुई ज्वार की, देन बीच में भी घटित हुई होगी, देन इसमें 3-3 घंटे का गैप लेके लाइंस खींची गई हैं। इस स्थान पे 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल से इसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे साउथ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो वही जो अभी हम लोगों ने थ्योरी में देखा कि जो टाइडल वेव्स हैं वो साउथ में बनती हैं फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ में आती हैं, इसीलिए विलियम वेबल ने बताया कि पहले साउथ में घटना घटित होगी टाइड की, फिर वो नॉर्थ में आएगी। तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि इस एरिया में मान लीजिए इस टाइम पे हो रहा है, फिर इस एरिया में इस टाइम पे, इस एरिया में इस टाइम पे, इस एरिया में इस टाइम पे, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचा। तो यही इसमें बताने का प्रयास किया गया, सिंपल सा मैप है। तो अब ये थ्योरी हमारी यहीं पे समाप्त होती है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है बस आपको। और थ्योरी में एक चीज ये भी है कि हर थ्योरी को हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा समझने का प्रयास करने लगते हैं, हर थ्योरी इस प्रकार की नहीं होती है, कुछ थ्योरी में हमको कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं तो उसको रट लेना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जो होती है वो किसी न किसी विद्वान ने अपनी सोच से दी। अब वो विद्वान क्या सोचा, किस तरीके से सोचा, हम वहां तक सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। तो विलियम वेबल महोदय ने जो सोचा वो उन्होंने बताया, अब हम लोग उनकी सोच तक तो नहीं पहुंच सकते लेकिन फिर भी हम एक प्रयास कर सकते हैं। तो जितना हम लोग को थ्योरी समझ में आए उतना हम लोग को समझ लेना चाहिए और मेन मेन टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना चाहिए, बस इतना ही हमारे लिए जरूरी भी है, बाकी और बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, और टाइड हमारा इसके साथ यहीं पे समाप्त होता है। टाइड हम लोगों ने काफी डीप पढ़ लिया और आगे अब हम लोग ओशनोग्राफी में किसी और टॉपिक पे फिर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।